नमस्कार, गुलदस्ता चैनल का जो हमारा पहला सेगमेंट है सुनो सच्ची कहानियाँ, और ये सुनो सच्ची कहानियाँ उन लोगों की कहानियाँ हैं जो बहुत साधारण बहुत सरल जीवन जीते हुए भी जिन्होंने वो कर दिखाया जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। और फिर इन कहानियों से जो सबसे बड़ी प्रेरणा हमें और आपको मिलती है वो ये है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो सुनते रहिए सुनो सच्ची कहानियाँ। चलिए आज चलते हैं बेंगलोर। बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, मेरे ख्याल से आप सबने ये नाम सुना होगा। और हम खड़े हैं, समझ लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, बेंगलोर में। उसके आगे एक अच्छी लंबी चौड़ी गाड़ी आके रुकी है और उसमें से एक लड़का काफ़ी कम उम्र का लग रहा है वो उतरा है और सिक्योरिटी गार्ड वालों ने उसको कहा इधर आ जाइए, यहाँ अंदर नहीं जा सकते आप। आप जानते हैं यहाँ पर सीईओ की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, बच्चे अलाउड नहीं है, स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है। और ये जो बच्चा, वास्तव में बच्चा ही दिख रहा है, उसने जल्दी से मोबाइल निकाला और फ़ोन लगाया, न जाने किससे बात की। पर थोड़ी ही देर में क्या देखते हैं, अंदर से कॉन्फ्रेंस हॉल के 10-12 लोग आ गए और इनको बड़े अच्छे से ग्रीट कर रहे हैं और इनसे कह रहे हैं आइए प्लीज प्लीज। भाई ये क्या है, गार्ड भी हैरान है, लोग जो इधर उधर देख रहे हैं वो भी हैरान है कि आखिर इस बच्चे को ये बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ ये इतना मान सम्मान से क्यों लेके जा रहे हैं। आपको भी लग रहा होगा कि ऐसा क्या है इसमें। बिल्कुल सही जी। अब मैं बताती हूँ ये शख्सियत हैं कौन। ये शख्सियत है श्री सुहास गोपीनाथ। और ये सुहास गोपीनाथ उम्र केवल 17 वर्ष, 17 ईयर्स, जिसमें हमारे और आपके बच्चे जनरली बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और हम कह रहे होते हैं भाई पढ़ो 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 पढ़ो। और ये लड़का इस उम्र पे सीईओ बन चुका है अपनी कंपनी का, और कंपनी का नाम है ग्लोबल INC, जो उसने खोली है अमेरिका में। क्यों खोली है अमेरिका में, आपको पता है हमारे भारत में नाबालिग बच्चे अपनी कंपनी खोलने के हकदार नहीं हैं, कानूनन वो कंपनी नहीं खोल सकते, तो इसलिए इन्होंने खोल दी अमेरिका में जाके। आप कह रहे होंगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो शुरू करते हैं सुहास गोपीनाथ की आज की सच्ची कहानी। सुहास गोपीनाथ के पिता बेंगलोर में आर्मी में एक साइंटिस्ट हुआ करते हैं, और ये उनका लड़का है। एयरफोर्स स्कूल, आपको तो पता है आर्मी एरिया में ये स्कूल्स होते हैं एयरफोर्स आर्मी के, तो एयरफोर्स के एक स्कूल में इसने अपनी पढ़ाई की। और जब क्लास 8th में थी, 8वीं कक्षा में, तो करीब 20 रुपये पॉकेट मनी मिला करती थी। और इस लड़के का जो शौक़ था वो बड़ा निराला था, और बच्चे तो इस रुपए में कुछ खरीदते हैं, चाट पकौड़ी कुछ ऐसा वैसा, और एंजॉय करते हैं। पर ये लड़का कहाँ जाता था, इंटरनेट कैफ़े। जी हाँ, आप जानते हैं इंटरनेट कैफ़े पर अगर आपका बच्चा ऐसे जाता है तो आप उसे रोकते हैं कि क्या मालूम क्या करता होगा, नहीं जाने देंगे। तो इसने घर में नहीं बताया था, पर ये जाता था क्या करने, क्या करने, ये तो इंटरनेट के माध्यम से न जाने क्या क्या जान लेना चाहता था, पर पैसे कम थे, क्या करे, जानना चाहता है बहुत, सर्व करना चाहता है बहुत सारे, ग्लोबली ही वांटेड टू नो सो मेनी थिंग्स, पर पैसा नहीं है। तो जो इंटरनेट कैफे का जो मालिक था उससे इन्होंने कहा कि सर आपकी जो शॉप है
वो 1 से 4 के बीच में बंद रहती है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं 1 से 4 में आपकी शॉप खोल के मैं बैठा करूँगा, ग्राहकों को भी देख लिया करूँगा, बस मुझे एक परमिशन दे दीजिए सर कि मैं इंटरनेट सर्फिंग कर सकूँ। मालिक को लगा ये तो बहुत अच्छा है, दुकान चलेगी तो पैसा आएगा। पर देखिए सुहास गोपीनाथ की ये थी पहली बिजनेस डील, और इन 4 घंटों में सुहास गोपीनाथ ने न जाने क्या क्या सीख लिया, क्या क्या जान लिया कि उन्होंने 14 वर्ष की उम्र में अपनी एक वेबसाइट बना ली, और वो वेबसाइट लोगों ने बनवाई भी इनसे, पर पैसा लोग देना चाहते हैं पर ये ले नहीं सकते। क्यों? 14 साल का बच्चा, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं है, बट स्टिल ही वॉज वेरी हैप्पी, ही हैज डन समथिंग विच वॉज रियली ग्रेट। और आगे बढ़ने की इच्छा, वेबसाइट जो बनाई इन्होंने उसका नाम भी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा सा नाम है, www.coolhindustan.com इस नाम से वेबसाइट बनाई, और लोगों में इनकी एक पहचान बन गई। अब क्या हुआ, एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। 9th का जब रिजल्ट आया, 9th क्लास का, तो इनके तो प्री बोर्ड, 9th के बाद जो 10th में प्री बोर्ड होता है, प्री बोर्ड में ये मैथ्स में फेल हो गए। आपको तो पता है प्री बोर्ड में अगर बच्चा फेल हो जाए तो माता पिता का तो कहीं ना कहीं टेंशन से सिर फटने लगता है, और वही इनकी माँ ने इनको पकड़ा और कहा कहीं नहीं जाएगा तू, केवल पढ़ाई करेगा, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, पढ़ाई करो, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। अब ये वो स्थिति थी कि जब इनके जो इन्होंने साइट अपनी बनाई थी, जो वेबसाइट खोली थी, जो कंपनी खोली थी, फर्स्ट ईयर में उसमें इनको 1 लाख का फ़ायदा हुआ था, और सेकंड ईयर में उसी कंपनी से इनको 5 लाख का टर्नओवर था। पर अब माँ ने कहा है तो क्या करते, 4 महीने के लिए इन्होंने विड्रॉ किया अपनी उस कंपनी से, और पढ़ाई में ध्यान लगाया, जैसे तैसे करके 10th पास की, 12th पास की, और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। पर देखिए ये बच्चे साधारण नहीं हैं, ये शख्सियत साधारण नहीं है, ये जीनियस हैं, इनमें कुछ कर गुजरने की चाह है, दृढ़ निश्चय है, आत्मविश्वास है, और इसलिए इन्होंने 4 सेमेस्टर तो पास कर लिए थे, 2008 की बात है ये, कि वर्ल्ड बैंक में, सोचिए आप, वर्ल्ड बैंक में इस 4th ईयर सेमेस्टर पास किए लड़के को वर्ल्ड बैंक ने न्योता दिया। क्यों जानते हैं? क्यों? वहाँ सारे कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, और इनको बुलाया गया, सुहास गोपीनाथ जी को, आप आइए सेमिनार में, आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। बड़े गौरव की बात थी, बड़े शान की बात थी, और ये गए वहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन दिया, पर जब वापस आए तो फिर से निराशा हाथ लग गई। बताइए क्यों? कॉलेज वालों ने कहा सर हम आपको 5th सेमेस्टर में बैठने नहीं देंगे। क्यों नहीं बैठने देंगे? अटेंडेंस इज शॉर्ट, नॉट ओनली शॉर्ट, इट इज़ वेरी शॉर्ट, हम आपको इस कॉलेज में रख नहीं सकते हैं। मरता क्या ना करता भाई, अब जब नहीं रख रहे तो क्या करें क्या ना करें, छोड़ो, कॉलेज से छोड़ दिया। आप तो जानते हैं, ना जाने हमारे कितने महान लोग जिनके पास डिग्रीज नहीं हैं, ड्रॉप आउट्स हैं, पर उन्होंने आज वो मुकाम हासिल किया है जो आप में से सुनने वाले कई लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। इसका मतलब ये कदापि नहीं है, ये मत समझिएगा कि आप भी ड्रॉप आउट हो जाइए, नहीं, पर अगर आपके अंदर कोई दृढ़ विश्वास है, कोई निश्चय है, कुछ कर गुजरने की चाहत है, तो फिर परवाह नहीं, फिर कीजिए जो आप करना चाहते हैं। और सुहास गोपीनाथ ने किया वही जो ये करना चाहते थे, और आज की तारीख में
इनका जो बिजनेस है वो केवल भारत में सीमित नहीं है, कई देशों में फैल चुका है, जैसे कनाडा, जर्मनी, यूके, यूएसए। और यहाँ पर इतने लोग, इतने मैं कहूँगी काबिल इंजीनियर इनके अंडर में काम करते हैं। एक ऑफिस इन्होंने बेंगलोर में जो खोला है वो वहीं खोला है, उसी कैफे के पास जहाँ बैठ के इन्होंने शुरुआत की थी अपने इस सीखने की। ये इतना बड़ा बिजनेस जिसका जहाँ से शुरू हुआ था उसी के पास इन्होंने अपना वो ऑफिस खोला है। और जानते हैं वहाँ 15 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक्सपर्ट्स दे आर वर्किंग अंडर हिम, पर ये उनके साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, करवाते हैं। और आज इनका नाम हर जगह रोशन है। हर जगह से मतलब ये मिल चुके हैं मार्क जुगरबर्ग से, ये मिल चुके हैं बिल गेट्स जी से, ये मिल चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से। और तो और मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं, एक बार इन्होंने जब हमारे प्रेसिडेंट माननीय श्री अब्दुल कलाम जी से मिलने का अपॉइंटमेंट लिया तो इनको केवल 15 मिनट का टाइम दिया गया। और जब ये मिलने गए तो आप हैरान हो जाएंगे, कलाम साहब को कुछ इतना आनंद आया इनसे बात करने में, इनके बारे जानने में, कि उन्होंने पूरा 1.5 घंटा इनके साथ बैठकर बातचीत की, जाना इस जीनियस के बारे में। और वो बेहद खुश हुए, बेहद खुश हुए। और आज ऊंचाइयां इतनी पाली हैं, उम्र इतनी सी, ऊंचाइयां इतनी, कहाँ से ये बच्चा कहाँ पहुंचा है, पर अभी शिखर और ऊंचा है। कैसे, आपने सुना होगा शॉपिंग ऑनलाइन, हम और आप अब इतना जान गए हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं। इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है, आप सुन के हैरान रह जाएंगे, और वो है ऑफलाइन शॉपिंग। और इन्होंने अपना ये नया बिजनेस जो खोला है उसका नाम रखा है शॉप्स अप। ये शॉपिंग ऑफलाइन जानते हैं क्या है? ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। जी हाँ, इन्होंने क्या किया है, आपको अपना इन्होंने वेबसाइट बनाई है, इन्होंने बहुत सारे ऐप्स बनाए हैं जिसके माध्यम से आपको जो सामान चाहिए जहाँ से भी चाहिए ये आपको बताएंगे। सपोज आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में आप कौन से स्टोर में जाइए वहाँ आपको वो सामान मिल जाएगा। इन्होंने कई सारी कंपनीज के साथ टाइप किया है। अब जैसे ही सपोज आपको शर्ट लेनी है ना, आपने सोचा एलन सोले की शर्ट लेनी, तो ये बताएंगे आपको कि आप इस शॉप पे जाइए। और जैसे ही आप वहाँ जाते हैं आपके अकाउंट में आपको डिस्काउंट दे देते हैं ये इमीडिएटली। सोचिए क्या मज़े की बात है। ये इन्होंने इसलिए शुरू किया कि हम और आप, कई सारे हम में से ऐसे लोग हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, कि जब तक चीज़ छूना ले खरीदने की इच्छा नहीं होती, विश्वास नहीं आता। तो इन्होंने कहा ऐसा हम कर दिखाएंगे, लोग छुएंगे, पसंद करेंगे और फिर लेंगे, और हम उस पर इनको डिस्काउंट देंगे। है ना बड़ी शानदार बात, बड़ा यूनिक बिजनेस। बहुत जल्दी अब इनका ये बिजनेस भी काफ़ी ग्लोबली फैलने वाला है। मेरे ख्याल से आज का ये जो सुहास गोपीनाथ जी हैं, ये हम में से और आप में से ना जाने कितने लोगों के प्रेरणा स्रोत बने होंगे। और ये लग रहा होगा कि हमारे अंदर भी ये प्रतिभाएं हैं, ये नहीं न जाने कौन कौन सी। और अगर वो उन प्रतिभाओं को उभार सकते हैं सुहास गोपीनाथ, तो हम क्यों नहीं। शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही, नमस्कार। ये जो कहानी आपने सुनी है ये मेरी पुस्तक रियल इंस्पायरिंग स्टोरीज से ली गई है। इस पुस्तक का हिंदी ट्रांसलेशन भी उपलब्ध है जिसका नाम है सच्ची प्रेरक कहानियाँ।
ये दोनों पुस्तकें अमेज़ॉन पर अवेलेबल हैं और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये सच्ची कहानी जो आपने सुनी है आपको बहुत पसंद आई होगी, आप इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिचितों के साथ, जिनको भी आप चाहते हैं, सबके साथ शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। साथ साथ आप हमारे चैनल गुलदस्ता को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन पर आप क्लिक कीजिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे हमारा जो भी नया वीडियो अपलोड होगा हम आपको उसके लिए नोटिफाई करेंगे। धन्यवाद।